बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें हंसते मुस्काते रहें। डेली फूड से मैं आपकी बहन आपके साथ एक नई और यूनिक रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसे बनाने के लिए कुछ मैंने ये चीज़ें ली हैं, इनके नाम बताती चलूँ। एप्पल ली है, सेब और चना ली है सफ़ेद, और मैंने इसको रात भर रख कर भिगो कर मैंने बॉईल कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट करना है, नरम करना है बिल्कुल इसको। और बनाना लिया केला, और लिए है राजमा, लाल लोबिया बड़े कैप्सूल भी इसको कहते हैं, इसे भी मैंने बॉईल कर लिया। टमाटर लिए एक बड़े खाने का चम्मच, और इसका बीज भी निकाल दिया मैंने, और प्याज लिया एक खाने का चम्मच बड़ा, और चॉप कर लिया। यहाँ चाट मसाला लिया मैंने, और नमक और काली मिर्च दो दो चुटकी, और चाट मसाला एक छोटे खाने का चम्मच हाफ लिया मैंने। तो बहुत ताकत से भरपूर चना सालसा बनाऊंगी आपके लिए। यूट्यूब पर आपने देखा होगा चना सालसा बनते हुए, लेकिन मैं अपने अंदाज से अपने तरीके से बनाऊंगी, ताकत से भरपूर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया एक गहरा बॉल, और इसमें हाफ कप मैंने डाली है मेयोनीज़। हाँ जी, हमने मायोनीज से ही इसको बनाना है, हम यहाँ क्रीम नहीं डालेंगे। यहाँ मैं अपने स्पाइसेस और टमाटर और प्याज डालूंगी। तो जो स्पाइसेस जितने मैंने लिए हैं उतने ही आपने लेने हैं। दो चुटकी काली मिर्च, दो चुटकी नमक, और चाट मसाला एक छोटे खाने का चम्मच हाफ, छोटे खाने का चम्मच हाफ लेना है। और हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने इसमें चीज़ें डालेंगे, राजमा, लाल लोबिया जो जिसे कहते हैं वो डालूंगी, और यहाँ बनाना डालूंगी। दो लिए मैंने बनाना, और इन्हें स्लाइस में कट कर लिया था। चने मैंने एक कप लिए थे, और इन्हें रात भर रख कर भिगो कर मैंने बॉईल कर लिया था, अच्छी तरह से नरम कर लिया। साथ साथ डालते हुए हम चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने सेब के अंदर, सेब वैसे भी रखे हैं तो काले हो जाते हैं, दही दो बड़े खाने का चम्मच फेंट कर, इसमें चीनी एक बड़े खाने का चम्मच डाला था मैंने, और इन्हें फेंट कर मैंने सेब के अंदर डाल दिया था कि सेब हमारे काले ना हों। तो एक बड़े खाने का चम्मच चीनी और दो बड़े खाने का चम्मच दही में डालकर मैंने, इतना ही हमें दही डालना है इसके अंदर। तो यहाँ मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, नए अंदाज से, नए तरीके से, बहुत मज़ा आने वाला है। इफ्तार में बहुत ताकत देगी इंशाल्लाह। आप इसे बनाएं और फ्रूट चाट को भूल जाएंगे, बहुत मज़े की लगेगी। फ्रूट चाट तो डेली बनती है, हर तरीके से बनती है, रशियन सैलड, लेकिन चना सालसा भी यूट्यूब पर है, और मैं अपने अंदाज से अपने तरीके से लाई हूँ। आप इसे इंशाल्लाह बहुत इन्जॉय करेंगे, आप इसे बनाएं। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया प्लेट में, देखे कितने खूबसूरत लग रहा है ये चना सालसा। बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी मैंने बनाई है। अफ्तार दावतें हो रही हैं, लोग करते हैं अपने रिश्तेदारों की, अजीज़ों की, बहनों की, भाइयों की, भाभीियों की, सबकी। तो आप उन्हें अपने मेहमानों को खिलाएं, इंशाल्लाह उन्हें ये चना सालसा बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही ताकत से भरपूर, लजीज, मज़ेदार, कुछ मीठा सा, कुछ चटपटा सा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। यूनिक सी रेसिपी है, इसे आप बनाएं और एंजॉय करें। डेली फूड से आपकी बहन आपकी दुआओं की मुंतज़िर। नई नई वीडियो ला रही हूँ, नई नई आइडिया ला रही हूँ, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो डेली फूड से आप की बहन आपके कमेंट की मुंतज़िर है। आप बनाएं, एंजॉय करें और प्यारा सा कमेंट करें, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।